बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरे चैनल लर्न एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन में खुशामदीद। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर जब तक आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आप कुछ नहीं सीख सकेंगे। ये देखें, ये कुछ पेटल्स बनी हुई हैं, ये एज ए सैम्पल बना रहा हूँ मैं। पेटल्स बनी हुई हैं, इनको मैंने फिल करना है छोटे साइज़ का ज़ीरो साइड का कट दाना मेरे हाथ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल छोटे साइज़ का कट देना है। ये देखें, इसको इसकी मैं फिलिंग कर रहा हूँ अपने इस काम में, तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपके सामने कर रहा हूँ मैं। तो ये छोटे साइज़ का कट देना है, ये देखें, बिल्कुल छोटा साइज़ है, स्मॉल साइज़ है इस कट देने का। तो इसको मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैंने एक लाइन लगाई है ना सीक्वेंस की, पहले मैंने लाइन लगाई है सीक्वेंस की, ठीक है। उसके बाद मैं पहले मैंने तिल्ला किया इसका, जैसे कि ये देखें, ये मैंने सारा तिल्ला किया। उसके बाद सीक्वेंस की लाइन लगाई छोटे इस सारे की। उसके बाद ये मैं कट दाना है ज़ीरो साइज़ का, ये इसके साथ साथ लगा रहा हूँ बिल्कुल। तो मैं अभी आपको इसके बाद दिखाता हूँ इसकी शेप कैसी बन जाएगी, कैसी बना देनी है मैंने इसकी शेप। इंशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ये एक पैच वर्क है जो कि अबाये के बाजू के तौर पर बनाया जाएगा, जैसे हमारे लेडीज़ बुरके नहीं होते, उस तरह का ये काम है। तो इसको आप कहीं भी पैच करके अपने हाथ की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मतलब ये देखें, ये मैंने इधर कर दिया पक्का इसको, ठीक है। पक्का तो मैंने आपको बताया ही हुआ है, पहले टांका निकालो उसके बीच में से। अब ये रहेगी खाली जगह, तो इस खाली जगह को मैंने फिल करना है। तो इसके फिल करने का तरीका ये है, बताता हूँ आपको। ये देखें, ये पहले मैंने सारे लगा लिए पूरी लाइनिंग में इस तरह, ठीक है। ये देखें, ये मैं इसके ना साथ साथ अब लगा रहा हूँ। अब ये खाली जगह जो है ना, ये भी मैंने कट दाने के साथ ही फिल कर देनी है। कोई सारे के साथ फिल करूँगा, कोई कट दाने के साथ। पहले जो मैंने बना चुका हूँ ना, ये देखें, ये मैं आपके सामने फिल करूँगा पहले, लेकिन उससे पहले जो मैं बना चुका हूँ, ये देखें, पहले मैंने सितारों की लाइन लगाई, उसके बाद मैंने ये वाली लाइन लगाई, उसके बाद मैंने इसमें स्क्रॉल कर दिया कट दाने का। देखें कितनी नीटनेस के साथ लगा हुआ है ये कट दाने का स्क्रॉल, खूबसूरत काम है। उसके बाद ये देखें, आगे वाला आ गया, ये भी एज़ इट इज़ सेम सितारों की लाइन आ गई। उसके बाद कट दाने की लाइन आ गई बारीक। उसके बाद मैंने ये बीच में लगा के इसका इस तरह सीटा टाइप जैसे पत्ता होता है, ऐसे मैंने बना दिया इसको। तो ये एक पैच वर्क है, ये देखें आपके सामने ये बन रहा है। तो मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि आपको इसकी समझ लग सके कि मैं इसको कैसे फिल करूँगा, ठीक है। तो अब आपने देखना कि मैं इसको फिल कैसे करता हूँ। तो इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त लगेगा और बहुत खूबसूरत बन जाएगा। ये देखेंगे आप अभी अभी के मैं इसको फिल कैसे करता हूँ। ये देखें, मैंने इसकी कुछ छपाई वगैरह नहीं की है, इस तरह ही एक कट देने का मुँह किसी तरफ कर दिया, एक का किसी तरफ कर दिया, दूसरे का किसी तरफ कर दिया, इस तरह ये काम होगा ये वाला। ये देखें, हर कट देने की एक अलग शेप बनानी है इस तरह। ये देखें, इस तरह ना इसकी डिज़ाइनिंग में ना फ़र्क आता जाएगा, इसकी डिज़ाइनिंग चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे डिज़ाइनिंग चेंज होती जाएगी, इसके डिज़ाइन में भी फ़र्क पड़ता जाएगा, तो ये अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो का मुकम्मल देखा करें, 5-6 मिनट की वीडियो होती है, तो उससे एक तो हमारी हौसला अफज़ाई होती है, हमारा चैनल भी मज़ीद उसको लाइक भी करें, ताकि आपके लाइक करने से भी, जस्ट आपका एक बटन प्रेस करने से भी हमारी हौसला अफज़ाई होती है। और काम तो आप अल्हम्दुलिल्लाह इधर सीख रहे हैं, ये देखें ऐसे ऐसे, आपने सिर्फ कट देने की शेप को चेंज करना है, ऐसे कभी इधर कर दिया, कभी इधर कर दिया, कोई छपाई वगैरह के नहीं। देखिए इधर कोई छपाई वगैरह नहीं हुई, ये देखें आपके सामने ही है, बगैर छपाई के ये काम हो रहा है। ये देखें, यहाँ पे ऐसे 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 बैक कर दिया, फिर ऐसे आ गया, ऐसे चला गया, ऐसे अपने आरी को घुमाते जाना है, ऐसे कभी किधर मुंह कर दिया, कभी इसका किधर मुंह कर दिया, कभी किधर मुंह कर दिया, तो ये एक प्रॉपर सी ना शेप सी बनती चली जाएगी। ये देखें, एक शेप सी बनती चली जाएगी, ये शेप और है, ये शेप और है, तो ये हर पत्ते की मुख्तलिफ शेप बनेगी। तो लाजमी आप इस चीज़ को भी ट्राई करें, क्योंकि हर मेरी मैंने जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ ना, हर वीडियो में ना कोई एक लेसन है सीखने का।
ताकि जो भी सीखें अपने इसको इसको काम को अपने हुनर में लाएं, और आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं ये काम सीख के। आप अपना खुद का ज़ाती बिजनेस कर सकते हैं, और आपको इधर ये वाला काम सीख के कोई इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट काम सीखें, अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल बनाएं, उस पर इस काम को डालना शुरू कर दें। अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। इसी काम को सीख के अपना यूट्यूब का चैनल भी बनाएं, तो इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन आता है, अल्लाह ताला किसी बंदे की मेहनत को ज़ाया नहीं करते, एक दिन आता है कि बंदा ना ग्रो कर जाता है। ये देखिए जैसे आपके सामने बांध रहा है, सिर्फ आपने कट दाने को घुमाना है। ये देखने इधर ख़त्म हो गया, इसको कर देना पक्का ऐसे, इसके साथ ऐसे शुरू कर देना इधर से, तो ये आपके सामने मुकम्मल हो जाएगा। ये देखें बस पत्ती थोड़ी सी रह गई है ये वाली पेटल। ये देखें कोई डिज़ाइन छपा हुआ नहीं था आपके सामने, बस मैंने आरी को घुमाया है और कुछ भी नहीं इसने किया। यही ट्रिक है, अपनी आरी को घुमाएं। ये देखें कहाँ से वीडियो पहुँच गई पत्ती एंड पे। देखिए जस्ट आरी के साथ घुमाया मैंने इसको ऐसे। ये देखें ये अब हो गया तकरीबन पूरा, ठीक है। बस आखिरी कुछ बीड्स रह गए इसमें लगाने वाले। देखें इधर आके ये एंड पे बंद हो जाएगा। ये देखें ये इसकी मुकम्मल होगी ये वाली, ठीक है। तो ये आपके सामने मुकम्मल होगी, ये देख लिया, ठीक है। तो ये एज इट इज़ सारे इस तरह बन जाने हैं। तो ये है कटदाना वर्क आरी के साथ, बगैर छपाई किए हुए आइडिया के साथ आप बना सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।